शेखावत वंश राजस्थान के मुख्य राजपूत वंशों में से एक है। सबसे ज़्यादा शेखावत राजस्थान में ही बसते हैं। जिन क्षेत्रों में शेखावत सर्वाधिक होते हैं उन्हें शेखावाटी कहा जाता है। आज भी शेखावत राजपूत अपनी शाही राजपूत परंपराओं का पालन कर रहे हैं। कछवाहा वंश की मूल 35 शाखाएं हैं, उनमें से एक है शेखावत। महाराव शेखाजी के वंशज ही शेखावत कहलाते हैं। आमेर के महाराजा उदय करण जी के पुत्र बालाजी हुए, बालाजी के पुत्र हुए राव मोकल जी, और राव मोकल जी के पुत्र हुए महाराव शेखाजी, और इन्हीं के वंशज शेखावत कहलाते हैं। शेखाजी को महाराव की उपाधि मिलने के कारण इन्हें महाराव शेखाजी भी कहा जाता है। शेखावत कछवाहा वंश की एक शाखा है, बल्कि कछवाहा वंश एक विशाल राजपूत वंश है जिसमें और भी अनेक राजपूत शाखाएं आती हैं। शेखावत राजपूत भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। आज़ादी से पूर्व देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय होने से पूर्व शेखावत राजपूतों का राज्य राजस्थान में मनोहरपुर, सापुरा, खंडेला, सीकर, खेतड़ी, बिसाऊ, सूरजगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकंदगढ़, दांता, खुड़े, खाचरियावास, दूधलोद, अलशीसर, मलशीसर, रानोली जैसे ठिकानों पर शासन था, जिस कारण इन इलाकों को शेखावाटी भी कहा जाता है। लेकिन आज वर्तमान में शेखावाटी की भौगोलिक सीमाएं सीकर तथा झुंझुनू तक ही सीमित रह गई हैं। शेखावतों के मुख्य जागीर और ठिकानों के नाम हैं अलशीसर, खाटू, अरुका, बिसाऊ, ख्याली, खेतड़ी, चौवकरी, खुड़े, दांता, मनहसर, दुजोद, मलशीसर, डूडलोद, मंडावा, गांग्यार, मंडरेला, डिरवा, शिगरा, मुकंदगढ़, जाहोता, नवलगढ़, कासली, शाहपुरा, खाचरियावास, सीकर तथा खंडेला, ये शेखावतों के मुख्य ठिकाने हैं। शेखावत राजपूतों का गोत्र होता है मानवीय, प्रवर होता है गौतम वशिष्ठ बारहस्पत्य, वेद होता है सामवेद, शाखा होती है कौथुमी, सूत्र होता है गोबिल ग्रह सूत्र, कुलदेवी होती है जमुआई माता, इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, नदी है सरयू, वृक्ष है बरगद, पक्षी है कबूतर। शेखावतों का वाचक शब्द होता है जय गोपीनाथ जी की या जय राम जी की। संयोगिता हरण के समय पृथ्वीराज चौहान का पीछा कर रही कन्नौज की विशाल सेना को रोकते हुए आमेर के महाराजा पजवन राम जी वीरगति को प्राप्त हो गए, और लगभग 200 वर्ष बाद 1423 में उन्हीं के वंशज उदयकर्ण जी आमेर के राजा बने। उदयकर्ण जी के पुत्र बालाजी हुए जिन्होंने बरवाड़ा की 12 गांवों की जागीर मिली। बालाजी के पुत्र ये मोकल जी, और मोकल जी के पुत्र ये महाराव शेखा जी। 1502 ईस्वी में मोकल जी के निधन के पश्चात महाराव शेखा जी 24 गांवों के स्वामी बने, जिन्होंने बाद में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर अपनी अलग रियासत की स्थापना की। धीरे धीरे महाराव शेखा जी ने अपने साहस और वीरता के बल पर आसपास के 360 गांवों पर राज्य स्थापित कर लिया था। महाराव शेखा जी ने अमृतसर को अपनी राजधानी बनाकर शिखरगढ़ का भी निर्माण करवाया था। महाराव शेखा जी के वंशज शेखावत कहलाते हैं, लेकिन उनके पुत्रों और पोत्रों ने अनेक नामों से अपनी अपनी शाखाएं चलाई हैं। महाराव शेखा जी के तीन पुत्र भरत जी, त्रिलोक जी, प्रताप जी निसंतान थे, जिनसे कोई शाखा नहीं चली, बल्कि इनके अलावा जो भी पुत्र हुए उन्होंने अपने अपने नामों से अलग अलग शेखावतों की शाखाएं चलाई। तो इन शाखाओं के नाम हैं, पहली है टकनेत शेखावत होते हैं, जो कि महाराव शेखा जी के पुत्र वीर दुर्गा जी शेखावत के वंशज कहलाते हैं। दूसरे हैं मिलकपुरिया शेखावत, जो कि शेखा जी के पुत्र आभाजी, अचला जी तथा पूरण जी के वंशज मिलकपुरिया शेखावत कहलाते हैं, क्योंकि ये सर्वप्रथम मिलकपुर गांव में जाकर बसे थे। तीसरी है अलक राजोत शेखावत, यह महाराव शेखा जी के पुत्र अलक राज जी के वंशज हैं। चौथी है खेजडोलिया शेखावत, ये शेखा जी के पुत्र रीढ़मल जी, कुंभाजी व भारमल जी के वंशज खेजड़ोलिया शेखावत कहलाते हैं।
खेजड़ोली गांव में आकर बसने के कारण इनको खेजड़ोलिया शेखावत कहा गया। रायमलोत शेखावत शेखाजी के पुत्र रायमल जी के वंशज रायमलोत शेखावत कहलाते हैं। रत्नावत शेखावत ये शेखाजी के पुत्र रत्नाजी के वंशज होने के कारण रत्नावत शेखावत कहलाते हैं। रत्नावत कछवाहा वंश की एक और दूसरी शाखा भी है जो कि रतन सिंह जी के वंशज हैं, इसलिए रत्नावत कछवाहा तथा रत्नावत शेखावतों में बिल्कुल अंतर है, ये अलग अलग शाखाएं हैं। संताल पोता शेखावत ये शेखाजी के पोत्र तथा कुंभाजी के पुत्र संताल जी के वंशज हैं। बाघावत शेखावत ये शेखाजी के पोत्र तथा भारमल जी के पुत्र बाघाजी के वंशज हैं। सुजावत शेखावत यह शेखाजी के पुत्र सुजाजी के वंशज सुजावत शेखावत कहलाते हैं। अब जानते हैं शेखाजी के पड़पोतों के वंशजों के शेखावत कौन से हैं। लूणकर्ण शेखावत राव सुजाजी के पुत्र लूणकर्ण जी के वंशज लूणकर्ण शेखावत कहलाते हैं। रायसलोत शेखावत राव सुजाजी के पुत्र रायसल जी के वंशज रायसलोत शेखावत कहलाते हैं। गोपाल जी के शेखावत राव सूजा जी के पुत्र गोपाल जी के वंशज गोपाल जी शेखावत कहलाते हैं। भैरू जी के शेखावत राव सूजा जी के पुत्र भैरू जी के वंशज भैरू जी के शेखावत कहलाते हैं। चांदावत शेखावत राव सूजा जी के पुत्र चांदा जी के वंशज चांदावत शेखावत कहलाते हैं। राम जी के शेखावत राव सूजा जी के पुत्र राम जी के वंशज राम जी के शेखावत कहलाते हैं। राव सूजा जी के पुत्र रायसल जी अमृतसर के शासक हुए जिनका जन्म महारानी रतन कंवर जी राठौड़ के पुत्र के रूप में हुआ था। रायसल जी के पुत्रों ने अपने अपने नामों से अलग अलग शाखाएं चलाई जो कि है लाडखानी शेखावत यह लाडा जी के वंशज हैं, ताजखानी शेखावत यह ताजा जी के वंशज हैं, परशराम जी के शेखावत यह परशराम जी के वंशज हैं, त्रिमल जी के शेखावत यह त्रिमल जी के वंशज हैं, गिरधारी दास जी के शेखावत यह शेखावत गिरधारी दास जी के वंशज हैं, भोजराज जी के शेखावत यह शेखावत भोजराज जी के वंशज हैं। तो इस प्रकार यह शेखावतों की मुख्य शाखाएं हैं। इनके अलावा शेखावत की और भी शाखाएं चली जैसे विदावत जी के शेखावत वीरभान जी के शेखावत हर जी के शेखावत चांदावत शेखावत चांदा पोता शेखावत तेजसी शेखावत सहमल जी शेखावत जगमाल जी शेखावत दूदावत शेखावत सिंहा जी के शेखावत उग्रसेन जी के शेखावत अचलदास जी के शेखावत सामलदास जी के शेखावत मनोहर दास जी के शेखावत। इस प्रकार शेखावत राजपूतों की अनेक शाखाएं हैं। जय भवानी, मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। जय भवानी।